वेलकम बैक टू कोडन बायोलॉजी। मैं हूं गौरव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ना सिर्फ ICMR में बल्कि CSIR, DBT, ICR जैसे और भी नेट GRF से रिलेटेड एग्जाम में ये महत्वपूर्ण होता है। उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट का जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो इसमें चार ऐसे टर्म आते हैं, मॉलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, मोलर मास और एवोगाड्रो नंबर। ये चार चीज़ को अगर आप अच्छे से समझते हैं इसका मतलब आपका मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है और इससे आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन अगर आप बने रहें तो ICMR के लिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो साबित होने वाला है और इससे आप बहुत ही अच्छे मार्क्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन सेक्शन ए में भी रहता है और सेक्शन बी में भी रहता है ICMR के। मोल कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। कार्बन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं जिसका कि एटॉमिक मास 12 होता है। तो ये जो 12 ग्राम है, 12 ग्राम ऑफ मास, व्हाट डज मीन इट? 12 ग्राम ऑफ मास कहने का मतलब एक मोल कार्बन एटम में कितना मास होता है? 12 ग्राम होता है। यानी कि अगर एक मोल कार्बन की हम लोग बात करें इसका मतलब हम लोग 12 ग्राम बात कर रहे हैं कार्बन एटम का। अब एक दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे जिसका कि मास 12 ग्राम होगा। यही जो नंबर हम लोग पढ़ेंगे अभी इसी को हम लोग क्या कहेंगे? एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। और किसी भी एक मोल के उसका जो एटॉमिक मास होता है, अगर हम लोग एटम की बात कर रहे हैं तो जितना एटम टोटल काउंट करने से उसका जो मास अगर 12 ग्राम हो जाए तो वही उसका एक मोल होता है। और ये जो नंबर होते हैं वो होते हैं 6.022140 यानी कि तीन बातें हम लोग जानेंगे, एक मोल बराबर उसका एटॉमिक मास और उस एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम हैं वो है आपका 6.022 × 10^23 और इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। तो ये तीन बातें हमने समझा, एक मोल कार्बन, एटॉमिक मास और उसमें कितने एटम्स हैं 6.022 × 10^23। अब इतने एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने अभी पढ़ा इतने टाइम में, जो एक एग्जाम्पल को हमने रीड किया उसमें हम लोग तीन बातें समझ गए। एक मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास जो कि कार्बन का लें तो 12 ग्राम है और उसमें जो नंबर ऑफ एटम है वो है 6.022 × 10^23 जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो अगर हम लोग एक मोल को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ए मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सबस्टांस दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 × 10^23 एलिमेंट्री एंटिटीज और मॉलिक्यूल और एटम। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल रखेगा, अगर एटम है तो एटम रखेगा, अगर कोई पार्टिकल हम लोग लिखते हैं तो एलिमेंट है तो हम लोग उसको पार्टिकल भी कह सकते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ क्या कहा? एलिमेंट्री एंटिटीज। एक गिवन सबस्टांस में उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वन मोल ऑफ एटम और वन मोल ऑफ, यहाँ हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो हम लोग कार्बन कह रहे हैं। तो एक मोल को क्या डिफाइन करेंगे? एक मोल वो चीज़ है कि उसका एटॉमिक मास में एवोगाड्रोस नंबर कितना अमाउंट काउंट में हो उसी को हम लोग एक मोल कहेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा एक कार्बन का एग्जांपल लेके। अगर जनरल फार्मूला हम लोग उससे डिराइव करने की कोशिश करें, अगर जनरल टर्म में हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं वन मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.022 × 10^23 नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। अब कुछ एग्जांपल जैसे कि एल्युमिनियम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 27.0 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों कहते हैं? क्योंकि एक मोल में उसका एटॉमिक मास का जितना वेट होता है तो एक मोल में इतना ग्राम होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? ग्राम पर मोल कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ एटम है तो हम लोग एटम की बात करेंगे तो कितना होगा? सब में नंबर ऑफ एटम सेम ही होगा क्योंकि एक मोल में इतना ही नंबर ऑफ एटम होते हैं, बस उसका मास क्या होगा? अलग अलग होगा। इसके एक मोल में 55.8 ग्राम होगा, इसके एक मोल में 40.1 ग्राम होगा, ये आपका
आयरन था, ये आपका कैल्शियम है और ये सोडियम है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23.0 ग्राम पर मोल, एक मोल में इसका कितना होगा 23.0 ग्राम। बट नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, सेम होंगे एज एवोगाड्रोस नंबर। बस यही इतना ही बात आपको मोल कॉन्सेप्ट में समझना है। इसी से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, अलग अलग डेराइव कर सकते हैं इक्वेशंस। अब हम लोग समझते हैं मोल और मोलर मास में क्या रिलेशन है। तो मोलर मास कहने का क्या मतलब हुआ कि मास पर मोल, यानी कि एक मोल में जितना मास होता है उसे हम लोग मोलर मास कहते हैं, इसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। क्योंकि एक मोल में एक एटम का एटॉमिक वेट जितना ही उसका मास होता है, यही आपका क्या है, मोलर मास है। यानी कि इसको हम लोग एम बाय एन, एम क्या हो गया आपका मास और एन हो गया मोल, नंबर ऑफ मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अगर किसी का मोलर मास निकालना हो तो उसका जो मास दिया हुआ है और कितना उसका नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, अगर इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उसका मोलर मास यहाँ से निकल जाएगा। इसी को हम लोग ग्राम पर मोल भी कह सकते हैं एज यूनिट के तौर पर। इसको एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन को हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोजन का AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 1.008। इसी का हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिखते हैं, ग्राम पर मोल, यानी कि एक मोल में इसका एटॉमिक मास जितना ही ग्राम होगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्राम पर मोल कह सकते हैं। इसी को अगर हम लोग नंबर में लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो जितना एवोगाड्रोस का नंबर होता है 6.022×10²³ एटम्स होंगे, ये पार्टिकल इसका एटम हो गया, और इसी को हम लोग एक्चुअली क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। ये हो गया इन द टर्म ऑफ एटम। अगर अब हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, K2CO3 मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है, तो यहाँ 2K है, 1C है और 3O है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 × जितना होता है पोटेशियम का ग्राम पर मोल, यानी कि जो एटॉमिक मास है, इसको हम लोग जोड़ेंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, और इसको हम लोग जोड़ेंगे 3 गुना और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास से, जो कि 16 ग्राम होता है पर मोल के हिसाब से। टोटल हमने जोड़ा कितना, 138.11 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास में क्या हुआ, 138 सबको हमने क्या किया, ऐड किया, और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इसमें भी हम लोग निकालेंगे एक मॉलिक्यूल का, K2CO3 का नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल हम लोग निकालेंगे, तो इसमें भी 6.022×10²³ ही मॉलिक्यूल होगा, कितना मास में, 138.11 ग्राम में, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, और एक मॉलिक्यूलर मास में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगाड्रोस के नंबर के बराबर होंगे। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, तो हम लोग इससे पहले मोल का कुछ फार्मूला डेराइव कर लेते हैं। तो वन मोल ऑफ कार्बन हमने क्या सीखा, उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होंगे, जितना एवोगाड्रोस का नंबर है। अगर हम लोग वाटर की बात करें, एक एग्जांपल मॉलिक्यूल का, ये तो हो गया एटम का, हम लोग मॉलिक्यूल की अगर बात करें, तो एक मोल वाटर में भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ वाटर होंगे वो कितना होंगे, 6.022×10²³ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ सिर्फ हम लोग ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात नहीं, पूरा एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल, तीन, ऐसे करके एक मोलर मास में और एक मोल में जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होंगे। उसी तरह से एक मोल NaCl उतना ही होगा, ये तो सेम ही रहता है। और अगर हम लोग बात करें H+ आयन, ये भी उतना ही होगा, सेम ही होगा। अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं कि अगर हम लोग CO2 ले लिया, तो उसमें CO2 का तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा, कार्बन का कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा, ज़रा उसको हम लोग समझते हैं। उसको समझने के लिए आप सिंपल ये याद रख सकते हैं कि 1 डज़न, जैसे हम लोग याद रखते हैं कि 1 डज़न बराबर कितना होता है, 12 होता है, उसी तरह से एक मोल बराबर 6.022×10²³ थिंग्स हो सकता है, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या पार्टिकल लिख सकते हैं आप। ये एकदम सिंपल है, बस चेंज क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। हर एक एटम का एटॉमिक मास अलग होता है, हर एक मॉलिक्यूल का उसका मॉलिक्यूलर मास अलग होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम सेम ही होते हैं। अब एक फार्मूला है, द नंबर ऑफ मोल अगर हमको निकालना रहेगा,
अगर हमें दिया रहेगा कितना पार्टिकल दिया हुआ है, कुछ पार्टिकल दे दिया हमने, तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि एक मोल में एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, तो जितना पार्टिकल दिया है उसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मास के फॉर्म में हम लोग देखें तो जितना मास दिया हुआ है और एक मोल में हम लोग जानते हैं एक एटॉमिक मास के बराबर वेट होता है, तो एटॉमिक मास से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, अगर एटम है तो वो नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, और अगर मोलर मास निकालना रहे तो जो मास दिया हुआ है उसको हम लोग नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो मोलर मास निकल जाएगा। एक्चुअली इसी का डेरिवेटिव सही है, ऊपर वाले का नीचे। तो ये तीन फॉर्मूला है जो आप बार बार, अगर डेरिवेटिव्स नहीं बनाना है तो आप एक याद करिएगा, डेरिवेटिव बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप तीनों को याद कर लीजिए, आसानी होगी, आपका समय बचेगा और जल्दी ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अब एक क्वेश्चंस है, इसको हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन द प्योर सैंपल ऑफ वेइंग 558.45 ग्राम्स। चलिए एक मिनट का समय लेते हैं हम लोग, 30 सेकेंड्स का, और इसको सॉल्व करने की। थर्टी सेकेंड्स हो गए हैं, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब देखिए, द मोलर मास ऑफ आयरन 55.845 ग्राम होता है, मोलर मास हो गया। तो मोलर मास कहने का क्या मतलब हुआ कि एक मोल में इतना ग्राम होता है। अब आप या तो यूनिटरी मेथड से इसको बना सकते हैं या डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है आपके पास? 558 बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 55.8 होता है, ये भी 0.845 दिया हुआ है, इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो ये 10 मोल निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड से भी इसको बना सकते हैं और आप फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये जो इसका मोलर मास है वो कितना होता है, अगर आपको ये याद रहा तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम लोग? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय एटॉमिक मास। अगर ये एटम है, आयरन का एटम है, तो हम लोग इसमें एटॉमिक मास लगाएंगे। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें आपको क्लू में दे रहा हूँ, क्लू क्या है कि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होगा, जो कि आपका क्या है, 6.022 × 10²³ वाटर मॉलिक्यूल। आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो आप इसको यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है, तो 36 ग्राम में कितना होगा, या आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा? सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे कि 18 ग्राम में एक मोल होता है तो 36 ग्राम में दो मोल हो गया। अब मोल आपको पता चल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आसान हो जाएगा कि 1 मोल इज इक्वल टू 1 एवोगाड्रोस नंबर, सो 2 मोल इज इक्वल टू 2 एवोगाड्रोस नंबर, एंड 2 × 6.02 × 10²³ मॉलिक्यूल हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 12.044 × 10²³। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको एक ट्रायंगल के तौर पर एक फॉर्मूला यहाँ पे है जिसको आप याद रख सकते हैं, इस तरह का एक ट्रायंगल बना के, कि कैसे हम लोग इसका रिलेशन, एक दूसरे का रिलेशन को याद रख सकते हैं। सिंपली जो हम लोगों ने अभी देखा था फॉर्मूला, उसी को एज ए ट्रायंगल के तौर पर यहाँ दिया गया है याद रखने के लिए, ताकि आपको याद रहे, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन कैन बी फाउंड इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसी की चर्चा मैं थोड़ा देर पहले भी कर रहा था
कि कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग तो ये जानते हैं कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो कितने होंगे, 1 एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। अब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड में कितना ग्राम कार्बन होगा 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में। कैसे निकालेंगे इसको, चलिए 30 सेकेंड्स का हम लोग समय लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए 30 सेकेंड्स हो गए होंगे, आई होप कि आपने बना लिया है। इसमें जानना क्या है, 1 मोल CO2 कंटेन 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल CO2 में 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है, तो मोलर मास इसका क्या है, 12 ग्राम है। अब हम लोग जानते हैं कार्बन का जो मोलर मास है 12 ग्राम है, और ये कितने, 1 कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल रखता है, 1 मोल रखता है कार्बन, यानी कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन है जिसका मास 12 ग्राम होता है, यही इसका आंसर है। और अगर हम लोग को ऑक्सीजन पूछा गया तो 2 मोल ऑक्सीजन होता है, 2 मोल ऑक्सीजन का कितना होगा मास, 32 ग्राम होगा, क्योंकि 1 मोल का 16 ग्राम होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं। आई होप कि आप इसको बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं या सीधे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं दूसरा इस तरह के रिलेटेड, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप होमवर्क की तरह ट्रीट करिए। इसमें और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 क्वेश्चंस यहाँ हैं और टोटल 4 क्वेश्चंस हुए। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस मैं दे रहा हूँ, ये कैलकुलेशन एज ए क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह आप यूज़ करिए। इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, इसमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर के एटम का कितना मास हो सकता है, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास हो सकता है। ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस की तरह होगा और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करने वाला है। यहाँ पर और 7 क्वेश्चंस हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इसको आप बनाइए, और अगर आपका बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन ए गैसियस सैंपल, कितना मोल है, 5 मोल है CO2 का। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रेजेंट इन ए सैंपल, दिया क्या है, मोल, और इसको चाहिए क्या, मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल। तो पार्टिकल के लिए Na जो है वो कांस्टेंट है, फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ CO2 है, O2 है, कोई भी मॉलिक्यूल है फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मोल में इतना पार्टिकल होता है, Na का मतलब है कि 6.02 × 10²³ पार्टिकल। तो 5 अगर मोल है तो 5 × एवोगाड्रोस नंबर, यही इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ कॉपर कंटेंट 6.02 × 10²² एटम, हाउ मेनी मोल ऑफ CO2 एटम डज इट कंटेन। सिंपल सा बात है कि अगर 6.02 × 10²³ रहता, इसको हम लोग कहते हैं 1 मोल। यहाँ क्या है, 10²² है, इसका मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा है, इसका मतलब ये 10 मोल है। कितना इजी है निकालना ये। इसके बाद है, व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO2। 1 मोल के लिए हम लोग मोलर मास क्या लिखते हैं, SO का 64 ग्राम। तो 5 मोल का कितना होगा, 5 × 64 ग्राम। हाउ मेनी मोल ऑफ O आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें पता करना है वो है कि CO2 का मोलर मास कितना होगा। तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, इसका मतलब हो गया ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, इसका मतलब 44 ग्राम।
अब समझिए कि 44 ग्राम CO2 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन यानी कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल CO2 का 2 ऑक्सीजन रखता है, यानी कि 2 मोल ऑक्सीजन का रखता है, यानी कि 44 ग्राम जो इसका मॉलिकुलर वेट है 2 मोल रखता है ऑक्सीजन का। तो 88 ग्राम कितना रखेगा, 2 × 2, क्योंकि ये इसका डबल है तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 मोल ऑक्सीजन का रखेगा। अब एक और सवाल है इसमें, व्हाट विल बी द मास ऑफ 10 मोल ऑफ H3PO4। H3PO4 10 मोल दिया हुआ है और H3PO4, सबसे पहले इसका मॉलिकुलर मास निकालिए। हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा 1 × 3, पी का एटॉमिक मास होता है 30, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, तो एक ही पी है, और ओ का होता है 4 है, यानी कि 16 × 4, तो कितना हो गया 3, 30 और 64, तो कितना आ गया इसका 97 ग्राम हुआ, यानी कि 1 मोल 97 ग्राम रखेगा H3PO4 का, तो 10 मोल कितना रखेगा 970 ग्राम। P का कहीं कहीं 30.5 या 31 भी रहता है, अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि 980 भी रहा, तो अगर इसको 31 लेंगे हम लोग फॉस्फोरस का मॉलिकुलर मास, तो ये 98 हो जाएगा और इसका 980 ग्राम आ जाएगा। तो अभी तक में हमने आपको बताया है कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें रखना है, तो आप बिल्कुल समझ गए हैं कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ें याद रखना है और कैसे क्वेश्चन बनेगा। अब मैं यहाँ लेता हूँ 5 मिनट का ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, आपके लिए क्विज़ है, 5 मिनट के बाद मैं आपको फिर से ज्वाइन करूँगा और उस क्विज को सॉल्व करेंगे। तो अब समय है क्विज का, 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मिनट का समय है, मैं यहाँ 8 मिनट के लिए आपसे लेता हूँ ब्रेक। 8 क्वेश्चंस हैं, 8 मिनट है, उसको बनाइए, फिर मैं 8 मिनट के बाद आपको ज्वाइन करूँगा और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन से शुरू कीजिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा और एक बार स्क्रीन में 2 क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। चलिए अपना टाइमर मिला लीजिए और शुरू करते हैं अभी का क्विज। फर्स्ट,
सबसे पहला क्वेश्चन था, द मोलर मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम पर मोल, हाउ मेनी मोल आर देयर इन 3 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अभी अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है, गिवन मास कितना आपके पास 3 ग्राम, मोलर मास है 12 ग्राम, कितना हो गया। एकदम बचपन वाला बुद्धि लगाना है, यहाँ से हम लोग जी मिटा देंगे, गुना भाग करने में आसानी होगी। यहाँ पे दशमलव देंगे, यहाँ एक ज़ीरो आएगा, 12 दुनी 24, 6 बच गया यानी कि 60, 12 पंचे 60 यानी कि 0.25, इतना ही मोल होगा। दूसरा क्वेश्चन था, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम लोग किस यूनिट में निकालते हैं, लीटर में, 1 लीटर। नॉर्मली हम लोग लिखते हैं कि मोल पर लीटर, यहाँ पे दो ऑप्शन है लीटर का, आपने जो भी लगाया है अगर इन दोनों में से कोई एक है तो सही है आपका। ml मिली और डेसी हम लोग इस्तेमाल नहीं करते इसमें। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl आर देयर इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर लीटर, है ना, पर लीटर, मोल पर लीटर, तो यही लीटर है एक्सप्रेशन। इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, यानी कि 1 लीटर में 0.5 मोल है HCl का, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 1000 ml में 0.5 मोल है HCl का, तो 10 ml में कितना होगा कि 10 × 0.5/1000, 0.0, ये कैंसिल, 20 1.3 यानी कि 0.005 मोल। आपने कौन सा लगाया इसमें से, इसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन ई 0.005 मोल, ये करेक्ट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ 500 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.3 मोल ऑफ ग्लूकोज। कंसंट्रेशन हम लोग किस में निकालते हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 500 ml में 0.3 मोल है, तो 1000 ml में कितना होगा, 0.6 मोल, यानी कि 0.6 मोल पर लीटर, ये तो कंसंट्रेशन है, कितना इजी है ये, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। उतना कैलकुलेशन में इसका नहीं जाना है कि 0.3 मोल में कितना ग्राम हुआ, फिर उसको 1000 ml में करना है, एकदम इजी वे है, स्ट्रेट हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ ग्लूकोज वुड यू नीड इन ग्राम टू हैव 0.8 मोल गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम पर मोल। मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, मास निकालना है। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी कि नंबर ऑफ मोल अगर निकालने हैं तो क्या करना पड़ता है, गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल अगर मान लीजिए कि 0.8 दिया हुआ है आपका, गिवन मास कितना है निकालना है, मॉलिकुलर मास 180 ग्राम है पर मोल, तो अगर इसको निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 180 × 0.8, तो कितना हो जाएगा, 144 ग्राम, 18 × 8 = 144 ग्राम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ मच वाटर मस्ट बी एड टू 10 ml सैंपल ऑफ HCl विथ कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 मोल पर लीटर टू ब्रिंग इट अबाउट 10 फोल्ड डाइल्यूशन. डाइल्यूट करना है 10 फोल्ड. तो कैसे निकालेंगे डाइल्यूशन हम लोग? 10 फोल्ड डाइल्यूट करने का मतलब है अभी जो है 0.5 मोल पर लीटर है. 10 फोल्ड अगर डाइल्यूट करेंगे तो ये हो जाना चाहिए 0.05 मोल पर लीटर. इतना लाना है तो कितना सॉल्यूशन होना चाहिए? अब हमारा दिया हुआ वॉल्यूम है 10 ml. अगर 10 बार डाइल्यूट करना है तो इसका फाइनल वॉल्यूम कम से कम 10 फोल्ड इससे ज़्यादा होगा, यानी कि 100 ml. अब 100 ml सॉल्यूशन है, इसको दूसरे वे में बताते हैं. थोड़ा लंबा है, समझने के लिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट इससे आपका क्लियर होगा. 10 ml सॉल्यूशन में 0.5 मोलर पर लीटर का कंसंट्रेशन है, ये दिया हुआ है. इसको 10 फोल्ड डाइल्यूट करना है, यानी कि आपका मेन कंसंट्रेशन जो फाइनल होगा वो 0.05 मोल पर लीटर हो जाना चाहिए. डाइल्यूशन के बाद इतना हो जाना चाहिए. चलिए इसको क्रॉस चेक करते हैं. अब आप इसमें अगर 90 ml जोड़ दिए तो कितना हो गया? 100 ml. अब आपके पास जो कंसंट्रेशन है वो 0.5 मोलर पर लीटर था, यानी कि 1 लीटर में 0.5 मोल था. तो 10 ml में कितना होगा? 0.005 मोल. अब हम कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि आपके पास जो अमाउंट है वो 10 ml के सॉल्यूशन में HCl का 0.005 मोल है. अब वॉल्यूम तो आपने बढ़ा दिया लेकिन कंसंट्रेशन सॉल्यूट तो अलग से डाला नहीं, सॉल्यूट तो अब भी वही है. तो बढ़ाने के बाद आपका जो फाइनल वॉल्यूम हुआ वो हुआ 100 ml के HCl में सॉल्यूशन में 0.005 मोल HCl मौजूद है. अब इसका कंसंट्रेशन निकालिए. अगर कंसंट्रेशन निकालेंगे हम लोग तो अगर 100 ml में 0.005 मोल है तो 1000 ml में कितना होगा? यही है पर लीटर, 1000 ml में हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0.05 मोल हो गया. यानी कि यह फाइनल कंसंट्रेशन जो आपका आया वो आया 0.05 मोल पर लीटर. पहले कितना था? 0.5 मोल था, अब फाइनल हो गया 0.05 मोल पर लीटर, यानी कि 10 फोल्ड डाइल्यूशन आपका हो गया, यानी कि 90 ml ऑफ वाटर हम लोगों ने ऐड किया. समझ के इसको अच्छे से, ये लेंदी है, समझने के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए ठीक है. और सिंपली हम लोग अगर देखेंगे तो कह सकते हैं कि अगर 10 फोल्ड डाइल्यूट करना है तो उसका 10 फोल्ड ज़्यादा जो है वॉल्यूम होगा, इसीलिए अगर 10 है तो वो 100 हो जाएगा. तो 90 ml और हम लोग जोड़ेंगे, अपने आप 10 फोल्ड डाइल्यूशन हो जाएगा वो. अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए. नेट GRF से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट, बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा. मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं कोडन बायोलॉजी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.